विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आरती के साथ ही माता की श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गए हैं। नवरात्रों के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों से विदेशों से भी श्रद्धालु श्रावण अष्टमी नवरात्र पूजन के लिए पहुँचने शुरू हो गए हैं। ये श्रावण अष्टमी मेले 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चलेंगे। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों पर मां के श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले शुरू हो गए हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आरती के साथ ही माता जी के श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गया। नवरात्रों के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता जी के दरवाजे में पूजा अर्चना के लिए पहुँचे। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों से व विदेशों से भी श्रद्धालु श्रावण अष्टमी नवरात्र पूजन के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये श्रावण अष्टमी मेला 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चलेगा। श्रावण अष्टमी मेले के दृष्टिगत प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का व्यापक प्रबंध किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान मंदिर रात को 12 बजे बंद होगा और सुबह 2 बजे खोल दिया जाएगा। मेले के दौरान सिर्फ 2 घंटे के लिए मंदिर आरती के लिए बंद होगा। हालांकि प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्री नैना देवी क्षेत्र को 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर में मेला मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लगभग 1200 के करीब पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान और एक्स सर्विसमैन फौजी तैनात किए गए हैं ताकि कानून एवं व्यवस्था बनी रहे। मैं मोहित शर्मा, एडवोकेट, दिल्ली से श्रावण के मेले में मां नैना देवी जी के दर्शन करने आया हूं। यहां के मंदिर की बहुत ही भव्य सुंदरता लगी मुझे और मौसम भी बहुत अच्छा है। पंडित जी मुकेश जी द्वारा दर्शन कराए हुए मुझे बहुत दिल मेरा प्रसन्न हुआ और मेरी मनो इच्छा है कि लोग दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान से नैना देवी माता के मत्था टेकने आए और माता सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। आज दिनांक 1 अगस्त 2019 तदनुसार विक्रमी संवत परिधावी संवत्सर के अंतर्गत श्रावण मास शुक्ल पक्ष के पावन नवरात्र आज से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसके चलते यात्रियों के कल्याण के लिए, तीर्थ यात्रियों के आगमन हेतु, विश्व शांति के लिए पूजा अर्चना, पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि विधिवत किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक यात्री तीर्थ स्थान पर आकर जगजननी माँ नैना देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जगजननी माँ नैना देवी सभी को अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। पावन नवरात्रों के शुभ अवसर पर जगजननी माँ नैना देवी की सभी श्रद्धालुओं को, आगंतुकों को मंगल कामनाएं। ओम सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो अहम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वर। सावन के महीने का पहला नवरात्रा आरंभ होने वास्ते जा रहे हैं। इस शुरू आरंभ से पहले नवरात्रे से मंदिर ट्रस्ट वालों सारे ही भक्तों नूं जय माता दी बहुत बहुत शुभकामना। भक्तों नूं बहुत बहुत बधाई। भक्तों ने बहुत मेहनत के नाल माँ का पावन पवित्र दरबार सजाया होया। हर तरीके का प्रबंध मंदिर के अंदर यात्रुओं के आने वास्ते, उन्होंने मत्था टेकन वास्ते हर तरह के लंगर का प्रबंध किया होया है। ये बहुत ही शलाघा योग है। मैं पंजाब तो आ रहे सारे ही यात्रुओं नूं बेनती करांगा कि माता जी के दर्शन करने लई तुसी आओ, माता जी के दर्शन करो और सफाई की व्यवस्था नूं बनाए रखो। आप सब नूं मंदिर ट्रस्ट वालों बहुत बहुत पहले नवरात्रे दियां शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।